प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत योजना को सफल बनाने के लिए 100 टीवी के मरीजों को लिया गोद। प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान के तहत पूरे देश में टीवी की बीमारी को 2025 तक खत्म करने का अभियान चलाया जा रहा है। आज हरिद्वार में भारत सरकार की इस योजना को सफल बनाने के लिए शिव पंचायती निरंजनी अखाड़ा द्वारा 100 टीवी के मरीजों को गोद लिया गया है। पूरे 3 साल तक इनको पौष्टिक आहार देने की जिम्मेदारी अखाड़े ने उठाई है। इसके साथ ही अखाड़े के सचिव और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने लोगों से अपील की है कि सभी एक टीवी के मरीज की जिम्मेदारी उठाएं, जिससे 2025 तक टीवी की बीमारी भारत से खत्म की जा सके। शिव पंचायती निरंजनी अखाड़े के सचिव और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्र पुरी का कहना है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया टीवी मुक्त भारत अभियान की उत्तराखंड में शुरुआत हुई है। 2025 तक इस अभियान को खत्म करना है। हमारा प्रयास है टीवी के मरीजों को पौष्टिक आहार मिल सके। टीवी की दवाई तो सरकार देती है, मगर उन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता। इसी को देखते हुए हमारे द्वारा टीवी के 100 मरीजों को गोद लिया गया है कि सभी आगे आए और एक एक टीवी के मरीजों को गोद लें, जिससे टीवी के मरीजों में कमी आ सके, जिससे कि 2025 तक यह अभियान सफल हो। और उत्तराखंड में एक अभियान शुरू हुआ है जिसमें टीवी मुक्त भारत, वो टीवी मुक्त भारत जो है 2025 तक फाइनल होना है। और हमारा ये प्रयास है जितने भी टीवी पेशेंट है उनको प्रोटीन वाली वस्तुएं दी जाए, जैसे दाल है, ऐसी ऐसी चीजें दी जाए ताकि उनको खाने में, क्योंकि टीवी दवाई सरकार देती है परंतु उनको खाने की जो वस्तुएं है वो उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसीलिए हमने अभियान चढ़ा है कि जितने भी टीवी पेशेंट है सबको ऐसी चीजें दी जाए ताकि वो दाल आदि चीजें खाएं, ताकि उससे उनकी जो टीबी है वो ठीक हो जाए। यही हमारा अभियान है। और मनसा देवी की ओर से मैंने 100 पेशेंट मैंने गोद लिए हुए हैं, जिनको हमें 6 महीने से लेकर के 3 साल तक इनकी पूरी जो देख रेख, इनका जो खाना पीना वो हम अपनाएंगे। ये आम जनता से ही अपील है, जितने भी हमारे टीवी पेशेंट है, ये हमारे भाई है, हमारे मित्र है, सभी को एक एक पेशेंट अपनाना चाहिए ताकि हमारा जो अभियान है पूरे भारत में 2025 तक जो है टीवी भारत जो अभियान, टीवी मुक्त भारत अभियान कामयाब हो, सफल हो जाए। प्रधानमंत्री टीवी भारत अभियान के अंतर्गत जो निक्षमित महाराज जी बनकर उन्होंने 100 मरीजों को गोद लिया है कि हम सबसे अपील करना चाहेंगे, इसमें चाहे सामान्य नागरिक हो, चाहे हमारा कोई जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारी जितनी संस्थाएं हैं, सभी लोग अगर आगे आते हैं और एक एक टीवी मरीज को गोद ले लेती हैं, उससे क्या होगा कि टीवी मरीजों को पोषण मिलेगा और सब सही पोषण मिलेगा, दवा और जांच हमारी निःशुल्क होती है, उससे हमारा टीवी मरीज जल्दी रिकवरी होगा। अब जैसे आपको पता है कि टीवी मरीज लगभग 17 मरीजों को फैला सकता है और इसे जैसे ही वो स्वस्थ होगा वो दूसरे मरीजों को नहीं फैलने देगा और इससे हमारा देश बहुत जल्दी ही 2025 तक टीवी मुक्त हो जाएगा।